हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां पर आपको किसी को बाहर बुलाने के लिए बेल नहीं बजानी पड़ेगी बल्कि ताली बजानी पड़ती है। जी हाँ, एक ऐसा देश जहां पर डोर बेल है ही नहीं, एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, एक ऐसा देश जहाँ पर सबसे बड़ा रिसोर्स है वाटर रिसोर्स। प्रकृति ने इस देश को बहुत खूबसूरत बनाया है। कौन कौन सी खास जगह है यहाँ घूमने के लिए और कौन कौन सी खास बातें हैं इस देश के बारे में जानने के लिए, तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर जिसका नाम है पैराग्वे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, पैराग्वे देश को ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक बेहद ही खास, खूबसूरत और यूनिक देश है। इसका बॉर्डर दक्षिण पश्चिम में अर्जेंटीना, उत्तर पूर्व में ब्राजील और उत्तर पश्चिम में बोलविया से लगता है। कुल क्षेत्रफल करीब 4,06,796 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ दोस्तों, इस देश की राजधानी है एसेंशियो। पैराग्वे का ये सबसे बड़ा शहर है और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल का सेंटर भी है। पैराग्वे में मुख्य रूप से स्पेनिश बोली जाती है, हालांकि लोकली यहाँ पर गुआरानी भाषा भी बोली जाती है। अगर आप शोर शराबे से दूर कुछ खास और कुछ सुकून चाहते हैं तो यहाँ चले आइए। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में बसा ये देश बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, यहाँ भी भारत का रुपया मजबूत स्थिति में है, यानी कम खर्च में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत के एक रुपए की कीमत यहाँ 89 पैराग्वेन गुआरानी के बराबर है, यानी कि आपको लगभग 90 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों, पशु पक्षियों से प्यार करने वाले लोगों के लिए पैराग्वे बेस्ट जगह है। जी हाँ, यहाँ करीब 1000 से अधिक पशु पक्षियों के घर आपको दिखेंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली, जी हाँ जगुआर, वो आपको यही दिखेगी। यहाँ पर इस बिल्ली को देखना बहुत आम बात है क्योंकि यहाँ पर उसका घर जो है। प्राकृतिक नजारे इतने खूबसूरत कि आंखें रुक जाएं। इसी के साथ कहा जाता है कि ये जगह उन जगहों में शुमार है जिसे प्रकृति ने अपने हाथ से सजाया है। आई ऑफ ओशियन, यानी समुद्र की आग। यहाँ शांत लैंगून अपने क्रिस्टल साफ पानी के लिए जाना जाता है। दैनिक जीवन की हलचल से दूर ये शांति देने वाली जगह है। खूबसूरती इतनी कि कदम रुक जाए। छिपा हुआ रत्न भी इस जगह को कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, पैराग्वे की गवर्नमेंट यहाँ के लोगों पर बहुत फोकस करती है, खासकर एजुकेशन को लेकर। साक्षरता दर बहुत अच्छी है। 15 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 94% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। दोस्तों, सबसे खास बात तो इस देश की ये है कि यहाँ पर डोर बेल नहीं है। दरवाजों पर शायद ही कभी आपको घंटी दिखे। दरवाजे के सामने ताली बजाकर आपको अंदर से लोगों को बाहर बुलाना होता है। दरअसल होता यह है कि गर्मी के टाइम पे यहाँ खिड़कियाँ खुली रहती हैं, जिससे इजीली आवाज अंदर तक पहुँच जाती है। लेकिन क्या हो जब खिड़कियाँ बंद हो, जरा सोच के देखिएगा। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्रकृति ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। पानी तो बहुत ज्यादा दिया है दोस्तों। जी हाँ, सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स आपको यही देखने को मिलेगा। पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना के नीचे गुआरानी जलप्रपात है, जो एक महत्वपूर्ण मीठे पानी का एक रिसोर्स है। 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के सतह क्षेत्र में ये फैला है दोस्तों, और 40,000 घन किलोमीटर की मात्रा के साथ इसके अंदर क्षमता है 200 साल तक लोगों को पानी पिलाने की। जी हाँ, ये पृथ्वी पर सभी को 200 साल तक पानी पिला सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रकृति ने जो हमें रिसोर्स दिया है उसे संभाल के रखना है, वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए गवर्नमेंट भी प्रयास करेगी और सिटीजन भी प्रयास करे। दोस्तों, आपको पता है तटरेखा वाली सबसे बड़ी नौसेना आपको यहीं मिलेगी। समुद्र तट की कमी जरूर है इस देश में, लेकिन पैराग्वे भूमि से घिरे देशों में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना का घर यहीं पर है। इसमें एक नदी रक्षा कोर है, एक तट रक्षक है और नौसैनिक विमानन है। पैराग्वे की नौसेवा अर्जेंटीना के माध्यम से समुद्र तक पहुँचने में सक्षम है और देश की रखवाली करती है। इसी के साथ दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बिजली का संकट छाया हुआ है। कहा जा रहा है कि एक दिन ये रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, तब लोग क्या करेंगे। उसी के तहत, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्स पैराग्वे के पास है, इसी के तहत टूर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जी हाँ, विद्युत उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा पावर प्लांट आपको यही देखने को मिलेगा। हालांकि कभी कभी तो ये टूरिस्ट प्लेस भी बन जाती है, यहाँ इतने लोग देखने आते हैं। चुदान जल एस्टे ब्राजीलियाई सीमा पर है दोस्तों। ये एक पर्यटन स्थल होने के बजाय अर्जेंटीना, ब्राजिया और अन्य विदेशियों के लिए एक खरीदारी का पॉइंट बन गया है। यहाँ पर आपको टैक्स फ्री इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलेगा। पर्यटक
बस यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम्स भी देखते हैं और इसी के साथ बहुत सारी खरीदारी भी करते हैं। तो आप कब आ रहे हैं हमें बताइएगा। दोस्तों इसकी राजधानी है असुनशियन। जी हाँ, असुनशियन शहरों की जननी भी कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक स्थलों से ये भरा है। ऐतिहासिक अट्रैक्शन कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया यहाँ पर स्थित है। 1772 में बना ये एक घर है जिसने देश की आजादी को बहुत करीब से देखा। दोस्तों राजधानी के रूप में ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स, साथ ही बहुत सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज और एक बेहतरीन नाइट लाइफ मिलेगी। बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, म्यूजियम भी है, कैथेड्रल्स भी हैं और साथ ही कैब्रेज भी हैं। आप यहाँ पर आकर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर और भी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बेहद ही खास जगह है, नाम है ला सेंटिसिमा त्रिनिदाद दे पराना। परागुए के दक्षिण क्षेत्र में है। इतिहास और वास्तुकला ला सेंटिसिमा त्रिनिदाद दी पराना के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 17वीं सदी का एक विशेष अवशेष आपको यहाँ दिखेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है ये। दोस्तों यहाँ पर आपको संरक्षित खंडहर देखने का मौका मिलेगा, नक्काशी भी दिखेगी और बहुत ही खूबसूरत टेपेस्ट्री भी जो अतीत की समृद्धि को दिखाएगी। आपको पता है जब आप यहाँ जाएंगे और सूरज को डूबते हुए देखेंगे तो खंडहर बहुत ही सुनहरी रोशनी से बिखर जाते हैं, माहौल और भी मनमोहक हो जाता है। दोस्तों ये है यापा कराई झील। दक्षिण अमेरिकी सूरज के नीचे चमकती हुई ये झील बहुत खूबसूरत लगती है। हरे भरे परिदृश्य के बीच नीले रंग के विशाल विस्तार में फैली ये झील आपको काफी अट्रैक्ट लगेगी। मीठे पानी की है ये झील, शांत पानी और बेहतरीन माहौल। लंबे समय से स्थानीय लोग और पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस जगह को काफी पसंद करते हैं, प्राकृतिक सुंदरता में डूब जाते हैं और कुछ समय यहाँ जरूर बिताते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, कोई छोटे कोई बड़े लेकिन सब बहुत खूबसूरत। इसमें से जो मेरा फेवरेट है वो है मंडे वाटरफॉल। परागवे के पूर्वी हिस्से में है ये, जहाँ प्रकृति अपनी भव्यता को दिखाती है कि जब वो भव्य होती है तो कैसी दिखती है। पास में खड़े होंगे ना तो दिल दहल जाएगा आपका, पानी इतनी तेजी से नीचे गिरता है। जी हाँ, आवाज इतनी तेज है कि आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। गरजने के साथ पानी नीचे आता है और आप देखकर आश्चर्य हो जाएंगे कि वाकई क्या कुछ इतना भी खूबसूरत हो सकता है। दोस्तों ये है यबिकुई राष्ट्रीय उद्यान। पैराग्वे के घुमावदार परिदृश्यों के बीच जैव विविधता को दर्शाता एक स्वर्ग जैसा लगता है। ये एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ पार्क है, हालांकि जंगल है जिसमें बहुत सारे झरने हैं, पगडंडियां हैं और नेचर से प्यार करने वाले और एडवेंचर को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये सबसे अच्छी जगह है जहां आप जा सकते हैं। पार्क में जैसे ही कदम रखेंगे ना, सीरियसली एक्साइटमेंट में भर जाएंगे। हर तरफ से पशु पक्षियों की आवाज, झरनों की गर्जना आपको यहाँ बार बार बुलाएगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमने छोटी सी कोशिश की है आपको परागवे की सैर कराने की। आई होप आपको ये सैर अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।